लेकिन वो मुझे बड़ा एक लाइटर साइड लगा जब उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर्स जब कहेंगे, मुझे ये तो समझ आती कि डॉक्टर्स ये कहेंगे कि आप लंबी फ़्लाइट में ना जाएं, आप हार्ट पेशेंट हैं, दूसरे हैं, आप कंप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। मुझे ये बता दें कि क्या डॉक्टर्स ने सिर्फ पाकिस्तान आने से मना किया मियाँ साहब को, बिकॉज लंदन से दुबई की बड़ी लंबी फ़्लाइट है, तो अगर घंटों की फ़्लाइट वो कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि फ़्लाइंग इज़ नॉट एन इशू। तो फिर वहाँ से तो 2 घंटे की फ़्लाइट थी ना दुबई से ऑनवर्ड्स। तो ये मेडिकल की अब बात छोड़ दें अच्छा नहीं लगता। आप ये कहें कि भाई हम आएंगे जब हमारे पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। ये छोड़ दें कि किस बेस पे कौन गया, अब सवाल उठता है कौन किस बेस पे नहीं आ रहा। तो अगर तो वो ये कहें कि मैं सियासत की वजह से अभी नहीं आ रहा, अपने कानूनी इश्यूज की वजह से नहीं आ रहा, मैं एग्री नहीं करूँगा, लेकिन एटलीस्ट आई विल रिस्पेक्ट दैट। लेकिन हमें ये मत कहें काइंडली कि वो मेडिकल जब डॉक्टर्स कहेंगे तो वो ट्रैवल करेंगे, दैट इज़ इंसल्टिंग आवर इंटेलिजेंस। तो ये सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ, आप भले ना आइए, आपको कोई लाभ ही नहीं सकता, लेकिन ये ना कहें कि डॉक्टर्स की एडवाइस पे नहीं आ रहे। डॉक्टर्स ने पाकिस्तान आने से शायद मना कर दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। मंसूर, देखें हर किसी का केस लड़ने की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कोई डिले करके फ़ायदा उठाता है, कोई डिनाई करके फ़ायदा उठाता है। अगर आप ये कहें कि क्या मोरालिटी क्या है, सही क्या है, तो वो फिर छोड़ दें। नवाज शरीफ साहब को भी आप देखें, वो भी बीमारी के ऊपर गए थे, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, अभी सऊदी अरेबिया भी गए, अभी यूएई भी आए और 2 घंटे आगे पाकिस्तान नहीं आए। सो ऑब्वियसली उनको भी यहाँ आना चाहिए था। सो इसलिए मैं इस चीज़ में तो पढ़ता ही नहीं हूँ कि भैया सही केस लड़ने का तरीका क्या है। ओनस सारा वज़न है अदालतों के ऊपर, अदालतों को अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी रिट को, चाहे वो इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो। तो अगर आप अदालतें अपनी रिट इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती तो फिर दिस इज़ वेयर द ब्लेम शुड लाई, नॉट के जी एक आदमी पेश हो रहा है या नहीं हो रहा। भी अगर नहीं हो रहा तो पेश कराने के तरीके भी हैं। अगर एक आदमी कोई इसके डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो नवाज शरीफ हों चाहे इमरान खान हो, तो फिर उसकी लीगल रेमेडीज़ भी हैं। इस बात में हम क्यों बहस में पढ़ें कि जी किस वजह से कौन क्या कर रहा है। मेरा ख्याल है हर एक का अपना राइट है कि वो अपनी लीगल स्ट्रैटेजी फ्रस्ट्रेट ही करना है ना। अगर जो उनके ज़माने की अपोजिशन कहती थी कि हमारे पे पॉलिटिकल केसेस हो रहे हैं, या अब इनका स्टांस भी वही है, ये कहते हैं मेरे पे पॉलिटिकल केसेस हो रहे हैं। सो आई थिंक ये ईच मैन चूजेस ज़ोन मेथडोलॉजी और जो उनकी लीगल टीम कहेगी। लेकिन आई जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, ये सारी जिम्मेदारी अदालतों पर है। अब अगर अदालतें ही आपस में एक दूसरे को अदालतें खेलती हैं ना, सेशन कोर्ट एक फैसला करती है, उसको हाई कोर्ट स्टे कर देती है, हाई कोर्ट भी फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट स्टे करती है, फिर द वर्ल्ड कम्स इनटू अ फुल सर्कल। मुझे तो ये लगता है कि कोई अदालत अपने पे लेना नहीं चाहती। अच्छा नहीं, लेकिन कोर्ट है, लेकिन मालिक साहब कोर्ट है या दूसरी मालिक साहब, ये पैनामा में भी इसी तरह ही होता था। मतलब ये स्पीडें यही थी या वहां पे आपके ख्याल में स्पीड ज्यादा तेज थी? वहाँ पे वो जो एक लेटेस्ट स्टेज पे आके हमने तेजियां देखी, लेकिन हमने वहाँ भी हर जगह डिलेइंग टैक्टिक्स देखे, वहाँ भी हमने हर एक की डिफाइंस देखी। जैसे मैंने कहा है, अगर नवाज शरीफ साहब डिफाई कर सकते हैं कानून को, तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करेंगे इमरान खान डिफाई नहीं करेंगे? जब एक बंदा करेगा तो प्रेसिडेंट सेट हो गया ना, तो अब क्या गिला करना किसी से। मेरा तो ख्याल वही है कि जी कोर्ट्स को अपना रेट करनी चाहिए, कोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, बजाय ये गिले करें। मतलब मैं आज कोर्ट का ये रिमार्क देख रहा था कि देखें जी ये कैसा मुकदमा है कि 7 माह हो गए हैं और वो सिर्फ एक बार पेश हुए हैं। यार ये उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, ये कोर्ट की वीकनेस है। आप बल्कि जवाब दें कि आप 7 माह में एक आदमी अगर नहीं आता तो फिर आपने क्या किया। सिमिलरली अगर नवाज शरीफ कुछ चीज़ें कर रहे थे तो भी ये उस वक्त की कोर्ट बताया कि आपने क्या किया। आई थिंक द बक स्टॉप्स विद द कोर्ट, नॉट विद द अक्यूज्ड। ठीक है, कोर्ट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है लग इस तरह रहा है, ज्यादातर मेरी जो तजियाकारों से बात हुई है, वैसे तो 2 सीधे तजियाकार मेरे साथ यहीं पे मौजूद हैं, लेकिन लगता है इस तरह है कि आपकी हुकूमत ने तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो इस तोशाखाना केस से लगाई हुई हैं कि खान साहब की ना अहली अगर हुई इलेक्शन से पहले तो इस केस के अंदर होगी।